नमस्कार। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का सीजन शुरू हो गया है। वार्षिक चारधाम यात्रा आधिकारिक तौर पर अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ धाम 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर जनता के लिए खुल जाएगा और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल से खुलेंगे। अगर आप भी इस बार चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपके लिए लेकर आया है एक शानदार चारधाम टूर पैकेज, जिसमें आना जाना, खाना पीना, ठहरना और घूमना आदि सब कुछ शामिल है। आप तो बस अपनी सुविधा अनुसार डेट्स सेलेक्ट कीजिए, यात्रा पैकेज बुक कराइए और टेंशन फ्री हो जाइए। हम आपको बता दें कि इस पैकेज के तहत यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ होगी और कुल 10 रात और 11 दिन की यात्रा होगी। इस वीडियो में हम आपको IRCTC के इस यात्रा पैकेज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। मसलन यात्रा कहां से शुरू होगी, यात्रा का शेड्यूल क्या रहेगा, डिपार्चर डेट्स क्या होगी, कहां कहां की यात्रा कराई जाएगी, क्या सुविधाएँ मिलेगी, कौन से होटल्स में ठहराया जाएगा, रूट चार्ट और डे टू डे यात्रा कार्यक्रम क्या रहेगा, टूर पैकेज में क्या शामिल है और क्या नहीं, पैकेज का किराया कितना है, पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग कैसे कराएं, तथा और भी बहुत कुछ। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि भारत में चारधाम यात्रा हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक है, जो उत्तराखंड के पहाड़ों में चार पवित्र स्थलों पर होती है। पवित्र यात्रा उत्तरकाशी में यमुनोत्री से शुरू होती है और उसी जिले में गंगोत्री तक जाती है। यात्रा का तीसरा गंतव्य रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर है। अंतिम गंतव्य चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम पर जाकर यात्रा संपूर्ण होती है। चार धाम की कुल यात्रा 1607 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ताकि इन पवित्र पावन मंदिरों में विराजित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। हम आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में लोग चार धाम की यात्रा करने पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए ही IRCTC ये शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। जिन लोगों ने अब तक चार धाम के दर्शन नहीं किए हैं, उनके लिए तो यह बेहद सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो चलिए जानते हैं पूरे पैकेज के बारे में थोड़ा विस्तार से। पैकेज डिटेल्स इस प्रकार है। पैकेज का नाम चारधाम यात्रा। यात्रा प्रारंभ स्थल हरिद्वार। डेस्टिनेशन कवर्ड केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ट्रेवलिंग मोड बाय रोड। ग्रुप साइज 10 पैसेंजर्स इन ईच डिपार्चर्स। यात्रा का प्रकार डिलक्स। यात्रा प्रारंभ होने की तारीखें इस प्रकार है: 2 मई, 16 मई, 2 जून, 16 जून, 2 सितंबर और 16 सितंबर 2023। यात्रा का शेड्यूल। IRCTC की तरफ से जारी किए गए टूर पैकेज में यात्रियों को 10 रातें और 11 दिन देवभूमि उत्तराखंड में बिताने का मौका मिलेगा। अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर पैकेज में शामिल है। यात्रा टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी से कराई जाएगी। ये टूर 2 मई से शुरू होगा और 16 सितंबर तक 6 अलग अलग डिपार्चर डेट्स में यात्रीगण प्रस्थान करेंगे। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार डेट्स का चयन कर सकते हैं और यात्रा की एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। रूट चार्ट। आपकी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होगी। हरिद्वार से आप बरकोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गुप्तकाशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। वापसी में बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग और फिर हरिद्वार आएंगे। डे टू डे यात्रा कार्यक्रम ये रहेगा। डे वन यात्रा का पहला दिन हरिद्वार बड़कोट 200 किलोमीटर 89 आवर्स। यात्रा के पहले दिन आप हरिद्वार में निर्धारित स्थल, होटल या रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। वहां से बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़कोट में शाम को पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे, डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम बड़कोट में ही करेंगे। डे टू
यात्रा का दूसरा दिन बड़कोट जानकी चट्टी यमुनोत्री जानकी चट्टी बड़कोट 40+40 किलोमीटर ड्राइव 6+6 किलोमीटर ट्रेकिंग समय 9-10 घंटे। आप सुबह जल्दी ही बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए रवाना होंगे। यमुनोत्री के आधार बिंदु जानकी चट्टी पहुंचने पर टट्टू और पालकी की सेवाएं आपको स्वयं के खर्चे पर ही बुक करनी होगी। यदि आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप ट्रेकिंग करते हुए पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेक काफ़ी कठिन है। यमुनोत्री पहुंचकर देवी यमुना के पवित्र मंदिर जाएं, दर्शन करें। यहां स्थित वर्तमान मंदिर 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी द्वारा बनाया गया था। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक गर्म पानी के सोते तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण है। पूजा दर्शन के बाद जानकी चट्टी के लिए वापसी यात्रा करें और वहां से वापस बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़कोट में डिनर लेकर रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। डे 3 यात्रा का तीसरा दिन बड़कोट उत्तरकाशी 100 किलोमीटर 5-6 आवर्स। बड़कोट में नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करें और उत्तरकाशी के लिए आगे बढ़ें। उत्तरकाशी आगमन पर होटल में चेक इन करेंगे, शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। आज आप रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में ही करेंगे। डे 4 यात्रा का चौथा दिन उत्तरकाशी गंगोत्री उत्तरकाशी 100+100 किलोमीटर 11-12 घंटे। सुबह 5 बजे आप नाश्ता पैक करवाकर उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। भागीरथी नदी के साथ साथ गंगोत्री की यात्रा एक अद्भुत यात्रा बन जाती है। खूबसूरत घाटियाँ, छोटी नदियाँ, झरने और ग्रामीण परिवेश देखने लायक है। गंगोत्री पहुँचने पर पावन गंगा नदी में स्नान करें तथा गंगा मंदिर में दर्शन व पूजा पाठ करें। गंगोत्री यात्रा के बाद वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और शाम को वहां पहुंचकर डिनर लेंगे, रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। डे 5 यात्रा का पांचवा दिन उत्तरकाशी गुप्तकाशी सीतापुर 250-290 किलोमीटर 10-11 घंटे। आज सुबह नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करेंगे और गुप्तकाशी या सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को गुप्तकाशी सीतापुर पहुंचने पर होटल में रुकेंगे, डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 6 यात्रा का छठा दिन गुप्तकाशी सीतापुर केदारनाथ ड्राइविंग 35 किलोमीटर ट्रेकिंग 16 किलोमीटर समय लगभग 8-9 घंटे। आप सुबह 4 बजे होटल से चेकआउट करेंगे और केदारनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ की चढ़ाई हेतु आप सोनप्रयाग में आरक्षण काउंटर से स्वयं की लागत पर पोनी या पालकी सेवाओं की बुकिंग करवाएंगे। आप चाहें तो स्वयं के खर्चे पर हेलीकॉप्टर से भी ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। आप केदारनाथ के आधार बिंदु गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए अपने खर्चे पर स्थानीय शटल टैक्सी की सेवा लेंगे और गौरीकुंड पहुँचेंगे। केदारनाथ के लिए ट्रेकिंग मार्ग यहीं से शुरू होता है। केदारनाथ पहुँचने पर धर्मशाला में चेक इन करें, फ्रेश होने के बाद केदारनाथ मंदिर जाएं और संध्या आरती के दर्शन करें। आज आप रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही करेंगे। डे 7 यात्रा का सातवां दिन केदारनाथ गौरीकुंड सीतापुर गुप्तकाशी एक तरफ का ट्रेक 16 किलोमीटर ड्राइविंग 35 किलोमीटर टाइम करीब 6-7 घंटे। एक बार फिर सवेरे 5 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा दर्शन अभिषेक करें। हम आपको बता दें कि भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और 7वीं शताब्दी में जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। आप सवेरे का नाश्ता लेकर होटल से चेकआउट करें और नीचे गौरीकुंड तक 16 किलोमीटर ट्रेक करें। गौरीकुंड पहुंचने पर सोनप्रयाग के लिए स्वयं के खर्चे पर शटल टैक्सी सेवा लें। वहां से सीतापुर या गुप्तकाशी जहां भी आप रुके हैं वहां होटल में पहुंचकर डिनर लें और रात्रि विश्राम करें। डे 8 यात्रा का आठवां दिन गुप्तकाशी सीतापुर बद्रीनाथ 220-250 किलोमीटर 9-10 घंटे। आज सुबह नाश्ते के बाद आप बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जोशीमठ में नरसिंह स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। शाम को बद्रीनाथ पहुंचने पर होटल में चेक इन करें, फ्रेश होकर बद्रीनाथ मंदिर जाएं और दर्शन करें, फिर वापस होटल आएं, रात का खाना खाकर यहीं विश्राम करें। डे 9 यात्रा का नौवां दिन बद्रीनाथ बिरही रुद्रप्रयाग श्रीनगर 140-200 किलोमीटर 5-8 घंटे। आप आज सुबह 4 बजे ही वापस बद्रीनाथ मंदिर में जाकर अभिषेक अलंकार दर्शन करें। बता दें कि बद्रीनाथ का वर्तमान पवित्र मंदिर 7वीं शताब्दी के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। यहां भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, जिसे सालेग्राम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन से पहले
मंदिर के बाहर स्थित प्राकृतिक गर्म पानी के तप्त कुंड में आपको एक पवित्र डुबकी जरूर लगानी चाहिए। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर ब्रह्म कपाल के पास पूजा तर्पण करें। सवेरे का नाश्ता लेने और होटल से चेकआउट करने के बाद पास ही भारत तिब्बत सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव माणा की विजिट करें। यहां आप गणेश गुफा, ब्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी देखेंगे। बाद में रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और डिनर लेकर नाइट स्टे यहीं करेंगे। डे 10 यात्रा का 10वां दिन। बिरही, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, हरिद्वार 200-120 किलोमीटर, 5-8 घंटे। आज सुबह जल्दी नाश्ता करके रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे। शाम को गंगा आरती का आनंद लेंगे। रात का खाना खाकर हरिद्वार में ही रुकेंगे। डे 11 यात्रा का 11वां दिन। ड्रॉप एट हरिद्वार रेलवे स्टेशन। सवेरे का नाश्ता लेकर होटल से चेकआउट करेंगे और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। चारधाम की चिरस्थायी यादों के साथ आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यात्रा कार्यक्रम यानी आइटनरी केवल सांकेतिक है। IRCTC या हैंडलिंग एजेंट स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसमें बदलाव कर सकेंगे। यात्रा के दौरान इन होटल्स में रहेगी रुकने की व्यवस्था। हरिद्वार ऋषिकेश, होटल रिजेंटा और कोस या गोडविन और रेनसेट, दमंत्रा और सिमिलर, खरसाली बारकोट, कैंप निर्वाण और ऋग्वेदा रिसोर्ट और द अधवंता और सिमिलर, उत्तरकाशी, शिवलिंगा कॉम्प्लेक्स, होटल साक्षी, शिव परिवार रिसोर्ट और सिमिलर, गुप्तकाशी, सीतापुर, फाटा, कैंप निर्माण और केदार रिवर रिट्रीट, बद्रीनाथ, गोविंद घाट, होटल योगा और सिमिलर, होटल वासुदेव इन, बद्री विले और सिमिलर, केदारनाथ, श्रीनगर, बिरही, रुद्रप्रयाग, मोनल रिसोर्ट और तपोवन रिसोर्ट और होटल रिवर साइड। डोरमेट्री अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड इन धर्मशाला एट केदारनाथ। यात्रा पैकेज का किराया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि चारधाम के इस यात्रा पैकेज का किराया क्या होगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी का किराया होगा 85,320 रुपये, डबल ऑक्यूपेंसी 60,170 रुपये, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 55,890 रुपये, 5-11 ईयर चाइल्ड विद बेड 30,910 रुपये और विदाउट बेड 23,720 रुपये। IRCTC के इस चारधाम यात्रा पैकेज की बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें अथवा इन कार्यालयों में संपर्क करें। आवश्यक सूचना। यात्रा के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ होना अनिवार्य है। यात्रियों को चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्वयं के द्वारा registrationandtouristcare.uk.gov.in लिंक पर लॉगिन करके करवाना होगा। यात्रा के दौरान टट्टू शुल्क, हेलीकॉप्टर शुल्क और पालकी शुल्क पैकेज में शामिल नहीं है। इसका खर्चा पर्यटकों को ही उठाना पड़ता है। इसमें IRCTC की कोई भूमिका नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को टूर बुक करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। यात्रा के दौरान अपना फिटनेस सर्टिफिकेट साथ रखें। खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।